हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अभी ड्यूटी फ्री में आ गया हूँ सारे सिक्योरिटी चेक होने के बाद। ये यहाँ का एरिया जहाँ से आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, तो ये सब चीज़ें टैक्स फ्री हैं। आप कुछ भी परचेस करते हैं यहाँ से तो उस पर कोई भी जो वैट जो हमारे यहाँ GST लगता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इन सब चीज़ों पर। अगर आप ड्यूटी फ्री से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, लोग जब भी बोलते हैं, अगर आप कभी आप कोई रिश्तेदार या कभी कोई बाहर से आता है तो उसको बोलते हैं ना कि भाई ड्यूटी फ्री से हमारे लिए दारू लिया ना, वो लिया ना, ये लिया ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, उल्टा उन चीज़ों पर डिस्काउंट लगा होता है। जैसे कि तुम लिखा हुआ है ना, ड्यूटी फ्री फैशन लग्जरी शू स्टोर 50% ऑफ, तो जो प्राइस था उस पर भी 50% ऑफ चल रहा है। तो इसीलिए लोग, अगर आप का कोई भी रिश्तेदार बाहर जाए तो आप उससे मंगा सकते हैं 50% ऑफ में प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें जो आप मंगाना चाहते हैं। स्पेशली लोग जो प्रेफर करते हैं वो दारू जैसी चीज़ें मंगाना प्रेफर करते हैं, जो पीने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रजाति के लोग मिल जाएंगे आपको, कोई कहीं से है, कोई इंडिया से है, कोई बाहर से है, और सारे अच्छे से ब्रांड शोरूम मिल जाएंगे इजीली। मेरा कहने का मतलब है कि आप लाइफ में एक बार फ्लाइट ट्रैवल जरूर करिए, कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। ये बाजार बनाया हुआ है, कहने को तो यह एक एयरपोर्ट है, मतलब जैसे कि हवाई अड्डा, जैसे कि रेलवे स्टेशन। हमारे रेलवे स्टेशन कम बाजार ज़्यादा लगता है, हम सुपर मॉल, जैसे अगर आप किसी मॉल में आ गए हो ऐसा लगता है। सो यहाँ पर ऑल एंट्री गेट्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फॉरेक्स सिम्स कार्ड, जैसे अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं तो फॉरेक्स मतलब आपको करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, सिम कार्ड जो इंडिया का ले सकते हैं। और यहाँ पर लाउंज हैं, जैसे आपका लॉन्ग स्टे, जैसे फ्लाइट आपकी थोड़ी डिले है, लेट है या कुछ भी है, तो आप उस ड्यूरिंग उस टाइम में आप लाउंज में स्टे कर सकते हैं। और अब आप हमेशा जब भी ट्रेवल करें तो एक बात का ध्यान, गेट नंबर वगैरह पता कर लें, ज़्यादा दूर ना रहें, क्योंकि ज़्यादा दूर रहेंगे तो आपकी फ्लाइट मिस भी हो सकती है। क्योंकि कई जो एयरपोर्ट है, जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मुंबई एयरपोर्ट है, इनके जो कई गेट्स हैं ना वो बड़े दूर दूर भी हैं। तो क्या होता है कि लास्ट टाइम एक बार मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने गेट का पता कर लें कि कहाँ है, एक बार वहाँ पहुँच जाएँ, उसके बाद आपको लगे कि आपके पास टाइम है तो कहीं जाएं, अगर लगे नहीं है टाइम तो कहीं ना जाएं। और बस अगर आप घर से कुछ लाएंगे खाने के लिए, चिप्स वगैरह, तो ही बेहतर है। यहाँ से लेंगे तो आपको डबल प्राइस ट्रिपल प्राइस मिलेगा, वही चीज़ जो चीज़ 100 रुपये की है वो यहीं पर आकर 1000 सेकंड की नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फूड कोर्ट हमेशा प्रेफर्ड कर रहे हैं कि अगर फूड कोर्ट तो आपके पास वैरायटीज ऑप्शंस होंगे यहाँ पर कुछ खाने के लिए। तो वैरायटीज में क्या होगा कि अगर जैसे अगर आपका बजट कम है तो आप बजट कम से भी काम चला सकते हैं। लोग फूड कोर्ट में खाना प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर एक अच्छा नहीं लग रहा है या एक महंगा लग रहा है तो आप दूसरे से खा सकते हैं।